जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है सरिया कानून की दुहाई दे रहे मौलाना को नाजिया ने दिया मुंह तोड़ जवाब, इंडियन मुस्लिम गर्ल ऑन पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, और नाजिया जी को आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, आप रेगुलर यूट्यूब व्यूअर है तो उसके बारे में। और नाजिया जी जो है वो एडवोकेट है और सच्चाई पे लड़ती है, हर एक बात में उसका स्टैंड सही होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट। भाई, ये भारत का कलेजा था जो एक फिरंगी औरत को बर्दाश्त किया गया। भारत में जो गली में जो कुत्ते होते हैं ना, उनको बिस्किट दे दो, पर पाकिस्तान में अगर कोई भूखा भी मर रहा है तो उसको पानी मत दो। ये बड़े जज्बे वाले कौम है, हर दो महीने के बाद इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। मेरा इस्लाम खतरे में, आए मेरा इस्लाम खतरे में। तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखा जा रहा है कि जो भारत पाकिस्तान है उस पर नेगेटिविटी फैलती रहती है, तो इसी बीच हम एक्सपर्ट को लेकर आए हैं जो हमारे साथ मौजूद है। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी मैं एक खास बात बता दूं कि वो जो पाकिस्तानियों को उनके यूट्यूब चैनल पे जाके उनको रोस्ट करते हैं। तो हमारे साथ है हमारे भारत की आन बान शान नाजिया लाइव में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, वर सो स्वीट। और मैं तुम्हारी हरियाणवी बोली ही के साथ ही मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, बिकॉज वही तुम्हारी पहचान है और हम लोग तुमको उसी हरियाणवी बोली के साथ ही सुनना पसंद करते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने साथ मुझे बुलाया है, बिकॉज मैं देखती हूँ कि दिल्ली और हरियाणा पंजाब, क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ, तो वहां पर तुम्हारी काफी चर्चा होती है। और कई लोगों ने मुझे कई बार पूछा भी है कि आप वो हरियाणवी लड़की के साथ ही बैठती हैं, दैट वीडियो जो तुमने मेरा लिया था वो घूंघट और चप्पल, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दैट वॉज फैबुलस फैबुलस किट्टू, फैबुलस, यू आर टू गुड। थैंक यू मैम। मैम, आपका भी मैंने काफी वीडियो देखे हैं, आप जो बेबाक धड़ल्ले से बोलती हैं, मौलानाओं की ध्वजा उड़ाती हैं, न्यूज चैनल पर डिबेट करती हैं, इस्लाम पर भी बोलती हैं और जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी एक्सपोज करती हैं। आपको कोई मुश्किल या फिर मतलब जैसे कि सरतन से जुदा या फिर ऐसी गुस्ताखी की है तो कोई धमकी इस टाइप का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ता है किट्टू जी, ऐसा सामना बहुत करना पड़ता है। और अगर मेरी इस बात पर किसी को लग रहा है कि नाजिया हवाबाजी कर रही है, तो मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में तमाम मुसलमान जो मर्द हैं, जो 72 वर्जिन हूरों के लिए मुंह से लार टपकाते रहते हैं, बदन में बम बांध करके मासूमों की जान लेते रहते हैं, वो सब मुझे किस तरह से डिफेम और मलाइंग और अब्यूज करते हैं, वो अपनी आंखों से लोग मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आपने मुझसे एक बात कही है कि मैं मौलानाओं की धज्जियां उड़ाती हूँ। मैं मौलानाओं की धज्जियां नहीं उड़ाती हूँ, मैं उनको आईना दिखाती हूँ। मैं आईना इस तरह से दिखाती हूँ क्योंकि मैंने कुरान पाक पढ़ा है, मैंने जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ पढ़ा है, मैंने भगवत गीता में पढ़ रही हूँ और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। संविधान मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है कि भाई मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं लेकर बैठे रहती हूँ संविधान। तो अब होती क्या बात है कि जो चीजें कुरान में लिखी भी है नहीं, उसको अगर आप थोपने की कोशिश करते हैं, आप उसको मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। हमने कुछ साल पहले देखा था कि सारे दाढ़ी टोपी वाले लुंगी उठा उठा करके निकले थे औरत को हिजाब पहनाने, औरतों को हिजाब पहनना चाहिए पहनना चाहिए पहनना चाहिए। और अब पिछले 7 दिन से हम देख रहे हैं कि गाजा हमास और फलस्तीन के मुसलमान, वही मुसलमान जो यहाँ औरतों को हिजाब पहनाने के लिए अपनी लुंगी उठा करके मिचल और मीटिंग कर रहे थे, वहाँ इसराइल की मासूम बहु बेटियों को नंगा कर रहे हैं, नंगा करके न्यूड परेड करवा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, औरतों को नंगा करके उनको मार करके उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। मैं इन बातों को सामने रखती हूँ कि एक तरफ आप भारत में नारा लगाते हैं कि औरत को हिजाब पहनना चाहिए, यही मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगा करके इसराइल की मासूम बहनों को और बेटियों को नंगा करके उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनके बूब्स काट रहे हैं। तो ये कुरान में दोनों बातें लिखी हुई हैं क्या? ये 30 पारा दोनों बातें बताता है क्या कि जरूरत पड़े तो हिजाब पहनाने के लिए अपनी लुंगी उठा लो और जरूरत पड़े तो मासूमों को काफिर कह करके, यहूदी कह करके, उसके कपड़े उतार करके अल्लाह अकबर के नारे के साथ उसका बलात्कार कर लो? तो ये दोनों बातें अगर लिखी हुई हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम, बाकी पाले फिर क्या? सबसे पहले बीवियां पाले आप, लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी कब्जा करो, दूसरी मिले
उस पर भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पर भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पर भी। तुम्हें शर्म है कुछ? क्योंकि दोनों तो औरत के विरोधिता ही कर रहा है, औरत के फ्रीडम को ही छीन रहा है, दोनों तो औरत को अपमान कर रहा है, दोनों बातें तो औरत को जलील कर रही है। अब मौलाना साजिद रशीदी वो कहते हैं कि अगर औरत की शादी, लड़की की शादी अगर 12 साल में पीरियड्स के बाद ना हो जाए तो वो बकरों से सेक्स करवाए। भाई मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, सब बहुत पढ़ाई की हुई है, शादी के बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं, तो हम तो बकरियों से सेक्स नहीं करवा रहे हैं। तो ये मौलाना साजिद रशीदी क्या बताना चाहते हैं कि मुसलमान औरतें बहुत आवारा होती हैं, बहुत चरित्रहीन होती हैं, मुसलमान औरतें इतनी ठरकबाज होती हैं कि वो उनकी शादी अगर पीरियड्स के बाद ना की जाए बकरे से सेक्स करवा लेंगी? क्या बताना चाह रहे हैं मौलाना साजिद रशीद? औरतें कुत्ते बिल्लियों के साथ नहीं पकड़ी जाती? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बकरे के सेक्स करवाने का एग्जाम्पल तो उन्होंने नहीं दिया और ना ही ऐसी कोई घटना और दुर्घटना उन्होंने बताई, पर मौलाना साजिद रशीदी एनिमल पॉर्न सेक्स देखते हैं अपने मोबाइल पर, ये तो उन्होंने बता दिया। इसकी पुष्टिकरण तो मौलाना साजिद रशीदी ने कर दी। तो जब भी मैं पूछती हूँ इनसे, चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया में, चाहे किसी भी चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से, तो ये मुझे बता ही नहीं पाते है ना, ये मुझे जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो मैं इनको रोस्ट नहीं करती हूँ, मैं इनसे सच्चाई पूछती हूँ, जिस सच्चाई का जवाब उनके पास नहीं होता है। अब मैं पूछ आपसे किट्टू एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरे इस्लाम का मेरी नजरों में बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है वाकई में, मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, मेरे चेहरे पर कभी कोई मेकअप नेल पेंट ये सारी चीजें, पाकिस्तानी लड़कियों के चेहरे पर मेकअप और नेल पेंट आपको दिखता होगा, हालांकि वो इस्लामिक देश है, कपड़े पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, मेकअप करेंगे, मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम कुरान अल्लाह के मानने वाले, और ये लंबे लंबे नाखून और बर्बर के नेल पेंट और लाली पाउडर पोता हुआ रहता है, लेकिन मेरे किसी भी पुरानी अगर 10 साल पुरानी भी आप तस्वीरें निकालिएगा तो उसमें नहीं दिखता है, क्योंकि मेरे घर में नमाज की पाबंदी बचपन से लगाई गई है और उसको मैं पूरा करती हूँ। तो मैं अभी पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे लिए मेरा अल्लाह बहुत वैल्यूबल है, तो आपके लिए भी भगवान राम बहुत वैल्यूबल है? बिल्कुल। अगर मेरे लिए प्रॉफिट मोहम्मद बहुत वैल्यूबल है, तो आपके लिए भी शिव भगवान बहुत वैल्यूबल है? अगर मैं सच बात सामने में एक कैमरा के सामने या पब्लिक गैदरिंग के सामने अगर मैं रख रही हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 4 शादियां नहीं की थी, झूठ बात है, उन्होंने 9 शादियां की थी, तो ये तो कुरान कह रहा है ना, ये तो मैं नहीं कह रही, ये तो कुरान कह रहा है, मैं तो हवाबाजी नहीं कर रही हूँ। तो गुस्ताख रसूल की सजा, सरतन से जुदा, जो 75-76 साल से जिन हिंदुओं को काफिर बोला जा रहा है, जो औरंगजेब मंदिरें तोड़ रहा था, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, तो फिर अपमान राम की एक ही सजा और सर धड़ से जुदा भी तो हो सकता है ना, ये तो अपमान राम की भी सजा तो हो सकती है ना। पहल मत करो, और कोई करे आप पर तो छोड़ो मत उसको। ये बिचारे मेरे मैं इसकी एक सीरीज किट्टू बता सकती हूँ, मैं इसकी एक सीरीज बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि भगवत गीता है, सनातन धर्म है, 4,500 साल पुराना है, वेदों और ग्रंथों के बारे में लिखा हुआ है, एडुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, मानवता के बारे में लिखा हुआ है, माफी के बारे में लिखा हुआ है, महिलाओं के मान सम्मान के बारे में लिखा हुआ है, वंदन अभिनंदन के बारे में लिखा हुआ है, मैंने इन चीजों को पढ़ा है, और यही रीजन है कि मैं एक मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म को बहुत बहुत ज्यादा सम्मान देती हूँ। लेकिन ये वही भगवान राम है ना, जो वनवास पे भी गए और उन्होंने रावण को खत्म भी किया, ये वही कृष्ण भगवान है ना, जो कभी माखन चोर से इनको पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, कभी बांसुरी वाले से इनको सुनते हैं, और कभी महाभारत का एक हिस्सा भी देखते हैं। तो जब बांसुरी वाला महाभारत में जीत करके आ सकता है, भगवान राम वनवास करने वाला जब रावण को खत्म कर सकता है, तो आज 76 साल से जो भारत में चूर्ण दिया जा रहा है कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है, तो मुझे बताया जाए कि जब अकबर बादशाह राजपूतों का गला काट रहा था तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी, जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी, जब आफताब श्रद्धा की बोटियां कर रहा था तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी, जब नासिर खान और कादर खान सुजर जॉर्डन का बलात्कार कर रहा था तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी, जब एक टेलर के यहाँ
कपड़ा सिलाने के लिए जाने के बाद उसके उसका सर तन से जुदा करके वीडियो वायरल किया जाता है, तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब याकूब मेमन के जनाजे के नमाज में लाखों मुसलमान खड़े होकर के नमाज अदा करते हैं, तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को यासीन मलिक और लश्करे तैयबा के साथ और JKLF टीम पार्टी बना करके जब कश्मीरी पंडितों को मार करके उनकी बहु बेटियों को बेआबरू कर रहा था और साथ ही साथ खून की नदियां बहा रहा था, तब आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने मार करके गिराया और समुन्द्र में दफन किया और उसके जनाजे की नमाज कश्मीरी मुसलमान पंडितों ने पूरे जलसे जुलूस के साथ किया, तब आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब अजमल खसब महाराष्ट्र के ताज में एंटर करके लाखों की जान ले लिया और पूरे भारत के भारतवासियों के आंख में खून के आंसू दे डाले, हजारों लाखों माओं को की गोद सूनी की, बहनों की सिंदूर उजाड़े, बच्चों को अनाथ किया, तब आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब इजराइल में हमास, गाजा और फिलिस्तीनियों के आतंकियों ने अल्लाह अकबर के नारे के साथ जब इजराइल की मासूम महिलाओं का बलात्कार किया, तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही है। जब असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुसलमान स्टूडेंट्स फिलिस्तीन और हमास के आतंकवादियों के फेवर में पक्ष में मिचलबाजी कर रहे थे, तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी क्या? दिखाई तो दे रही थी। अफजल की मौत पर शर्मिंदा होने वाले मुसलमान जो सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर नाराबाजी कर रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी क्या? तो जात तो है और वो है मुसलमान, वो तो है, क्लियर हो चुका ना। तो अब भारत में ये चूरन बेचना बंद कर दिया जाए, बंद कर देना चाहिए ये चूरन बेचना। आतंकवाद की एक जात है और हमास और फिलिस्तीन ने इस पर मोहर लगाई है कि आतंकवाद की जात है और वो है अल्लाह अकबर। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो सीधी सी बात है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हम कुत्तों को घी खिलाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आई हैदराबाद में, उनका इतना ग्रैंड स्वागत किया गया, इतना ही नहीं बाबर आजम को प्राइवेट जेट दिया गया, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो स्टेटमेंट दिया, जो ट्वीट किया, वो आप सबके सामने है। उन्होंने लिखा कि मेरा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गजा में मौजूद भाइयों और बहनों के नाम करता हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उसको बाबर आजम नहीं बोलती हूँ, मैं तो उसको ठरके आजम बोलती हूँ। बाबर आजम तो मैं बोलती नहीं। कुत्ते के घी पेट में वाकई में घी हजम नहीं होती है, और शर्म आनी चाहिए भारत के उन मुसलमानों को भी और उन जाली हिंदुओं को भी जो इनके भव्य स्वागत में खड़े हो गए थे हैदराबाद में भी और अहमदाबाद में। मैं मानती हूँ कि BCCI पाकिस्तानी प्लेयरों को ऐसे स्वागत कर रही है जैसे लग रहा है कि बेटी पहली बार मायके दामाद के साथ आई, ऐसा स्वागत कर रही है। देखिए खेल अलग तब होता जब पाकिस्तान के मुंह से भी ये निकलता। पाकिस्तान जो क्रिकेट के जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा कि हमारी टीम दुश्मन के साथ खेल रही है। ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाए, हैदराबाद में चौके छक्के लगाने के बाद क्या बोला मोहम्मद रिजवान कि हम ये डेडिकेट करते हैं गाजा के आतंकियों को भारत की धरती पर रह करके। हैदराबाद में अवैसी के जो चुन्नू मुन्नू है, जो सब थरके आजम और थरके जेब हैं, उन्होंने नारा लगा दिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। मुझे लगता है कि कैमरा CCTV कैमरा में देख करके ऐसे लोगों को बाहर निकालो और पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर फेंक डाल, वाघा बॉर्डर जाकर के पाकिस्तान में फेंको, आटा चावल का लाइन लगाएंगे, इनकी बहु बेटियों का बलात्कार होगा, तब इनको समझ में आएगा कि इस्लाम और पाकिस्तान के मुसलमान कितने अच्छे हैं, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए ये पॉकेट में रखते हैं भारत का आधार, पॉकेट में रखते हैं भारत का वोटर आईडी कार्ड, भारत की योजनाओं से बड़ा मजा उठाते हैं, बड़ा लाभ उठाते हैं, बड़ी अय्याशियां पेलते हैं और उसके बाद फिर जुबान से बोली निकालते हैं पाकिस्तान के फेवर। तो ऐसे लोगों का गिरेबान पकड़ने का वक्त आ गया है। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे सकती हूँ, जिंदा मिसाल आपको दे सकती हूँ। जब तक कश्मीर से 370 रिमूव नहीं हुआ था, तब तक हम पत्थरबाज भी देखते थे, तब तक हम आतंकवाद भी देखते थे, तब तक हम थरकजेब भी देखते थे, सारे लोगों को देखते थे। जैसे ही 370 रिमूव हुआ और 5000 से ज्यादा जेल की सलाखों में गए, यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में भेजा गया, अभी देखिए कश्मीर के हालात कितने खूबसूरत हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं तुम्हें कह रही हूँ।
है ना, मानने वाली बात है। उसी तरीके से भारत से जितने भी ठरके आजम है और ठरके जेब है और जितने भी पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लल्लू पंजू है और जितने भी 72 वर्जिन होरों के साथ फक करने वाले और मजा लेने वाले जो ठरक लोग हैं, ठरके जेब लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ करके अब जेल में भरने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को ही सामने आकर के खड़े होना पड़ेगा धरती पर, भारत के इस धरती पर हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और ये नारा लगाना पड़ेगा कि या तो राष्ट्रवाद रहेगा भारत में और या तो फिर इन्हीं ठरके जेबों को लेकर के चलिए, क्योंकि मंदिरें टूटती रही, सनातनी चुप रहे, आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करता रहा, सनातनी चुप रहे। भाई अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, ये सारे नाम है ना, यहाँ के हिमालय, यहाँ के झीलों के, नहरों के, नदियों के, पहाड़ों के, फरजाना, रेहाना, अब्दुल और सुल्तान तो नाम नहीं है ना। अच्छा तो मैम अभी आपने बोला कि ये जो राष्ट्रवाद के खिलाफ बातें करते हैं ये लोग बीजेपी और मोदी जी का विरोध करते करते इतने पागल हो जाते हैं कि ये देश के विरुद्ध बात करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या इलाज हो सकता है? ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, ठरक जेबों को धरो और जेल भरो। एक ही इलाज, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। कुत्ते की दुम है, 10 जन्म भी गाड़ दोगे मिट्टी के अंदर, फिर निकालोगे, फिर टेढ़ी निकलेगी। ये बड़े जज्बे वाले कौम है, हम इस्लाम वाले हैं, हम बहुत जज्बे वाले कौम है, हम फितरा के नाम पे भीख मांगेंगे, हम जकात मांगेंगे, हम दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांगेंगे, लेकिन हम जज्बे वाले कौम। और हर 2 महीने के बाद इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, मेरा इस्लाम खतरे में। भाई तेरा, तू तो खुद कबूल कर रहा है अपने मुंह से कि तेरा इस्लाम जो है वो लकड़ी का लचलचिया पुल है, तो हर 2 महीने में खतरे में आ जाता है। इस्लाम तो बहुत बरसों से खतरे में जी। तो ऐसे ठरक जेबों का बस एक इलाज है, ठरक जेबों को धरो और जेल भरो और शांति से इस भारत को विकास की तरफ जो चल रहा है विकास की तरफ चलने दो। सही बात। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और नाजिया खान जी ने जो बताया, हाँ, और जो मतलब पूरी डिटेल में जो जानकारी दी ना, अब सत्यता जो है ना, वो ये सत्यता हम लोग जो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब नाजिया जी ने बोला तब अब तो हम मानते हैं भाई। और ये इनमें से कोई दो, इसमें से एक पॉइंट भी मेरे को कहीं गलत नहीं लगा, एक पॉइंट गलत नहीं लगा। और उसने जो बात की वो सबूतों के साथ बात की, और उसने जिसका विरोध किया वो सबूतों के साथ विरोध किया, इतना सारा एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल। और आतंकवादी का धर्म, मैं भी बोलता हूँ और वीडियो में, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अब नाजिया खान जी ने बोल दिया आतंकवाद का कौन सा धर्म है। और दोस्तों मैं वो भी बता दूं, ये सिर्फ आतंकवाद के लिए बात हो रही है, आप अपने पे मत ले लेना, ठीक है। और दूसरी बात की मतलब वो जो मौलाना थे वो आरजू काजमी के साथ जो वीडियो वाली बात कर रहे थे, अरे यार उनको शर्म भी नहीं आई, सामने एक औरत बैठी, एक लड़की, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी। आप तो बोलते हो ना औरतों की हम इज्जत करते हो मौलाना जी, तो ये काय का इज्जत था जिसके साथ आप कुत्ते बिल्ली वाली वीडियो की बात कर रहे हैं। मतलब ये बंदे ने वीडियो देखी है सारी, इसलिए भाई तूने देखी है, तेरे पास रखना, ये मीडिया पे लाने की क्या जरूरत है, औरतों के सामने लाने की, मतलब बेहदी शर्म कुछ तो होनी चाहिए ना। आरजू काजमी मतलब इन लोगों को क्या सबको मतलब कैसे गिरा है ये, जो आरजू काजमी है वो भी एक एक्टिविस्ट है और हर बार हम हमारे न्यूज मीडिया में उसको एज अ गेस्ट तरीके हम देखते हैं और उसका स्टैंड अच्छे से रखती है, ठीक है। तो ये मतलब सब मतलब ये मौलाना है ना वही बोलना चाहते हैं भाई हम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, ये कानून, ये संविधान, ये आज का जो टाइम है सब कुछ झूठ है, ये ही सही है जो वो बोल रहा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे मौलाना बहुत भरे पड़े हैं जो गलत गलत जानकारी, गलत गलत नॉलेज, दिमाग मतलब दिमाग वॉश करना, इतनी गंदगी कैसे आती है माइंड में, लेकिन भरते तो यही से तो आती है, तो आती है। अभी पता चला कि ये लोग ही जाएंगे, एक कहावत है ना, और जैसा बाप वैसा बेटा, तो वैसा ही होगा, जैसे मौलाना ऐसे है तो उसके मौलाना के नजदीक जितने भी होंगे उसके अंडर में जो एजुकेट हो रहे हैं तो ऐसे ही उसकी मानसिकता, आप जिसके साथ ही होगी। हाँ, एक बोलते है ना, जैसा देश वैसा भेष,
एक ये भी कहावत है, मतलब आप जिसके साथ खड़े रहोगे आप वैसे बन जाओगे। तो इन मौलाना के साथ जितने भी लोग होंगे वो वैसे ही है जो मौलाना है, ठीक है। क्योंकि देखो हम बड़े की इज्जत करते हैं और बड़े की हर बात को हम मानते हैं, ठुकराते नहीं है, ठीक है। तो इन इस मौलाना की इज्जत करने वाले लोग होंगे ना जो ऐसे घटिया मौलाना होंगे। जब आप किसी औरत को ऐसे मीडिया पे मतलब बेइज्जत करते हो तो हम आपके पास से आशा क्या रखें, ये समझने की। और नाजिया खान जो है वो जो मैडम है एडवोकेट भी, लॉयर भी है और एक्टिविस्ट भी है, और उसका जो भी कोई भी आप उससे बात करोगे तो वो सबूती के साथ बात करती है और सच्चाई पे बात करती है। उसकी खुद की आप उसकी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, और खास करके वो औरतों के लिए बहुत सपोर्टेबल है, और दूसरी बात वो कभी झूठ एक्सेप्ट नहीं करेगी। और बहुत सारे मौलाना ने ट्राई किया है उसको मतलब बेनकाब करने के लिए, उसकी इज्जत मतलब उन्होंने बोला था ना उसके इंस्टाग्राम फतवा, लेकिन वो डट कर सामने, ये भारत की बेटी है भूलना मत, ये भारत की बेटी है, वो किसी बाप से नहीं डरेगी, लड़ेगी। वो कानून पढ़ी है, वो संविधान पढ़ी है, वो बहुत सारे धर्म के पुस्तकों जो है बताया था, भगवद गीता ना देखा ना हमने, मतलब भगवद गीता भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, ठीक है, और इस्लाम का उसने बताया मैंने पूरा पढ़ा है। तो फिर ये लोग मौलाना मुझे झूठ बोलेंगे कि अरे मौलाना जो लोग, अरे उन्होंने क्लियर मुंह पे बोला, उन्होंने क्लियर बोला है कि यहाँ पे भारत में रहकर पॉकेट में आधार कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड भी होते हैं, और बाकी सारे जो फैसिलिटी वो इधर की मिल रहे हैं, लेकिन जब उसको मुंह खोलेंगे तो पाकिस्तान की वाली सी, और वो जो लोग कर रहे उसकी बात वो कर रहे। तो हुआ ना वो हैदराबाद में, यही हुआ था हैदराबाद में, वही हुआ। हाँ, और ओवैसी के वो देखो जहां तक मैं जितने भी इस्लाम धर्म के मुसलमान लोग को मिला वो सब लोग ओवैसी का तो विरोध करते हैं, वो हमने देखता है, लेकिन जो आजू काजमी ने बताया ना वो मेरे को सही लगा कि बोलने के लिए कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है, ये समझ में आया। मेरे भी बहुत सारे कलीग्स है यार मुसलमान, ऐसा नहीं है सब, मतलब मेरे को तो अच्छे मिले, भगवान की दया है मेरे पे, मेरे को जो मिले वो अच्छे ही मिले, मेरे को अभी तक ऐसा कोई दोहरी मानसिकता वाला नहीं मिला, खास के गुजरात में तो नहीं होता ऐसा, हमने नहीं कहीं बहुत देखा है। हाँ, वो पहले भारत की बात करेंगे, बहुत ही मतलब सबसे अच्छी बात है कि उन लोगों ने एजुकेशन लिया है, और वो भी स्कूल और कॉलेजों में लिया, और जिन लोगों ने मदरसे में एजुकेशन लिया है उसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, वो हमने बहुत सारे वीडियो में देखा। और दोस्तों इस वीडियो के वीडियो जो हम देखते हैं और आपके साथ जो रिएक्ट करते हैं ना वो भी हम वीडियो देख के ही आपके साथ करते हैं, तो ऐसा मत समझना हम हमारे मन गढ़ंत कहानी बोल रहे हैं, क्योंकि हम लॉयर नहीं है, हम एडवोकेट नहीं है, ना तो हम कोई एक्टिविस्ट है ताकि हम संविधान की बात करें। तो जो नाजिया जी ने जो बताया उसके एकदम बात करें, और वो सही बता रही है, उसमें कोई गलत नहीं है, उसका हमने एक दो न्यूज चैनल में भी देखा है स्टैंड लेते हुए, जब ये बात हुई थी ना ये नारे की सर तन से सुधा, हाँ। जो क्या नाम था उस मैडम का बीजेपी की थी, नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा वाला जब ये जो सब कुछ मामला हुआ था उस समय आरजू काजमी नाजिया इलाही खान जो है उसका हमने बहुत सारी न्यूज मीडिया में स्टैंड लेते हुए देखा था, और जबरदस्त स्टैंड लिया था उन्होंने यार, उसके लिए हम उसको सैल्यूट करते हैं, ये भारत की बेटी है, हम इसको कोई धर्म के साथ नहीं जोड़ रहे, भारत की बेटी ऐसी ही होनी चाहिए ताकि किसी बाप की ताकत नहीं कि हमारे देश सच के लिए लड़ती है। सच्चाई के वो तो हम बोलते हैं कि दोस्तों जो सिर्फ सत्य होती है, और जहां पे आप सत्य देखते हो वहां पे आप स्टैंड लो, जहां पे सच्चाई के साथ भी आप खड़े रहोगे ना, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा नजदीक आप खड़े रहोगे तो आप भी सत्य हो जाओगे, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, और ये हमारे जो सनातन धर्म में है ये सिखाया जाता है कि आप जिसके साथ जैसे रहोगे वैसा आप बन सकते हो। तो हमेशा सच्चाई का साथ देना, सत्य के नजदीक मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ जिसमें अर्जुन जो है वो सत्य के नजदीक थे इसलिए उसका विजय हुआ था, और पांडवों की मैं पूरे पांडवों की बात कर रहा हूँ जबकि कौरवों से वो असत्य के नजदीक थे तो उसकी हार हुई थी क्योंकि दोनों की हिस्ट्री थी उसकी पीढ़ियों से चल रही हार हुई थी जो भुगत रहे थे कौरव और पांडव, उसमें मैं कौरव और पांडव की गलती नहीं मानूंगा, उसके जो पूर्वज होते उनकी मैं मानता हूं हर बार। तो ये होता है, आपने महाभारत देखा होगा, हम रामायण देखते हैं टीवी में, तो वहां पे भी रामायण में भी जीत सत्य की हुई थी, रावण था, रावण देखो रावण
हालांकि उसको हम नेगेटिव रोल में देख रहे हैं, लेकिन रावण भी बहुत ही बड़ा इंसान था, लेकिन उसको भी सत्य का पता चल गया था, इसलिए वो हारा था। तो सत्य के सामने हर एक चीज की हार होती है। आप सही से रामायण पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि रावण के पास इतना पावर था, इतना कोई लोक के पास पावर नहीं था, इतना रावण के पास पावर था, लेकिन उसको सत्य की जब मतलब आभास हुआ ना तो हार गया था। तो सत्य के सामने हर एक चीज की हार होती है, ये हमें स्वीकारना पड़ेगा। तो जो भी चीज सत्य हो, पहले आपके देश में आपके विरुद्ध कार्य हो रहा तो आप उसका प्रोटेस्ट करो, सत्य को सामने लाओ, तो आपकी 100% जीत होगी। और हर एक चीज को है ना ये गलत वे में धर्म के साथ जोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, वो सही नहीं है। सत्य मैं हर एक वर्ड हर बार यही वर्ड यूज करूंगा, सत्य आप होंगे ना, आप सही होंगे, फिर आपको किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपको कोई झुका सके। गांधी जी सत्य थे, इसलिए हमारे देश को आजादी मिली थी। उसने सत्य पे स्टैंड लिया था, उन्होंने अहिंसा पे स्टैंड लिया था, इसलिए उसकी जीत हुई थी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके राज करके गए, पूरी हिस्ट्री बताई है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखना जरूरी है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।